हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर धर्मों के बीच जनसंख्या असंतुलन पर उनकी टिप्पणियों पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों ने सबसे अधिक गर्भ निरोधक का इस्तेमाल किया है और कुल प्रजनन दर जो 2016 में 2.6% थी अब गिरकर 2.3% हो गई है। एक दिन पहले आदित्यनाथ ने कहा कि ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के प्रयासों के परिणाम स्वरूप धर्मों के बीच जनसंख्या असंतुलन ना हो क्योंकि इससे अराजकता हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक वर्ग की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत अधिक हो जबकि हम मूल निवासी और मूल निवासियों पर जागरूकता के साथ जनसंख्या नियंत्रण पर काम करते हैं। लोगों को स्थिरीकरण के प्रयासों के माध्यम से जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज ग्लोबल। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर धर्मों के बीच जनसंख्या असंतुलन पर उनकी टिप्पणियों पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों ने सबसे अधिक गर्भ निरोधक का इस्तेमाल किया है और कुल प्रजनन दर जो 2016 में 2.6% थी अब गिरकर 2.3% हो गई है। एक दिन पहले आदित्यनाथ ने कहा कि ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के प्रयासों के परिणाम स्वरूप धर्मों के बीच जनसंख्या असंतुलन ना हो क्योंकि इससे अराजकता हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक वर्ग की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत अधिक हो जबकि हम मूल निवासी और मूल निवासियों पर जागरूकता के साथ जनसंख्या नियंत्रण पर काम करते हैं। लोगों को स्थिरीकरण के प्रयासों के माध्यम से जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज ग्लोबल। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर धर्मों के बीच जनसंख्या असंतुलन पर उनकी टिप्पणियों पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों ने सबसे अधिक गर्भ निरोधक का इस्तेमाल किया है और कुल प्रजनन दर जो 2016 में 2.6% थी अब गिरकर 2.3% हो गई है। एक दिन पहले आदित्यनाथ ने कहा कि ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के प्रयासों के परिणाम स्वरूप धर्मों के बीच जनसंख्या असंतुलन ना हो क्योंकि इससे अराजकता हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक वर्ग की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत अधिक हो जबकि हम मूल निवासी और मूल निवासियों पर जागरूकता के साथ जनसंख्या नियंत्रण पर काम करते हैं। लोगों को स्थिरीकरण के प्रयासों के माध्यम से जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज ग्लोबल।